बोतल लेके खड़ा हुआ है भाई बच्चा। बच्चा बोल रहा है कि फ्लोर क्लीनर कलर चैलेंज करने वाली हूँ मैं। भी बच्चों है ना, फ्लोर क्लीनर लेकर पीने के लिए गया था, मतलब पूछ रहे कि कलर चैलेंज, क्लीनर फिनॉइल, मतलब वीडियो पे आप लोग नहीं देख रहा था, ठीक है, मतलब जो भी चलता है वो हम लोग वीडियो नहीं ले सकते हैं ना, वही प्रॉब्लम है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, साथियों, स्वागत करता हूँ हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्रू में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले गरिमा गोयल जी सेलिब्रिटी के बारे में, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गया आपको बोलकर, ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब्सक्राइबर हूँ, जवाब पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो गरिमा जी देख रहे हैं कि उन वो भी सुन लीजिएगा, मैं सब्सक्राइबर हूँ, जवाब पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो बेस्ट एंटरटेनर है उन लोग, ठीक है, उन्होंने यूट्यूब पे बेस्ट एंटरटेनमेंट करते हैं, मैं भी उनका वीडियो बहुत पसंद से देखता हूँ, ठीक है, सब कुछ सही है। जब तक मैंने ये नहीं देखा था, मतलब उन्होंने कर रहे कि कुछ कलर चैलेंज वगैरह ऐसे कुछ सिल्वर येलो रेड ब्लू ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग भी बहुत पसंद से देख रहे थे, जब तक देख रहे थे भाई, हम लोग हमारा जो भी बच्चों है ना, फ्लोर क्लीनर लेकर पीने के लिए गया था, मतलब पूछ रहे कि कलर चैलेंज, क्या है कलर चैलेंज, मतलब आप लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब तुम देखना पड़ेगा भाई, आपके घर के बच्चे हो तो आपको ही देखना पड़ेगा भाई, बच्चों है ना हवा जैसा होता है, किधर में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा याद रखिएगा, मतलब ऐसा गलती से मतलब आप बता रहे हैं ना, तो आप बता उसमें रख देना चाहिए, मतलब बच्चों देखने के लिए वीडियो नहीं है ऐसा कुछ बोलकर, ठीक है। तो प्रॉब्लम हम लोग को ये है, मतलब जो भी बच्चों इस वीडियो देख रहे हैं, फ्लोर क्लीनर फिनॉइल, मतलब वीडियो पे आप लोग नहीं देख रहा था, ठीक है, मतलब जो भी चलता है वो हम लोग वीडियो नहीं ले सकते हैं ना, वही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसा कर रहे हैं तो बच्चे लोग को क्या होएगा, कोई जवाब देगा तो यूट्यूब में कोई जवाब देगा, तो यूट्यूब पे ही जवाब पूछूंगा मैं, क्या हम लोग हॉस्पिटल लेके जा सकते थे, कुछ हो गया तो बोलो ना। बोतल लेके खड़ा हुआ है भाई बच्चा। बच्चा बोल रहा है कि फ्लोर क्लीनर कलर चैलेंज करने वाली हूँ मैं, ऐसा बोलकर, कलर चैलेंज पिंक कलर है वो, ठीक है, कुछ हर्बल्स वगैरह का आता है, मतलब फ्लोर क्लीनर बोलकर पिंक कलर है, बोलो ना। और हार्पिक आता है ना वॉशरूम पे, वो ब्लू कलर है चैलेंज, क्या होएगा बच्चों का तबीयत बोलो। मैं ये आपको हाथ जोड़ के पूछ लेता हूँ, बस रोक लो आपका कलर चैलेंज, ठीक है, और जो भी कलर चैलेंज आपने किया है वो वीडियो हटा दो, सच में बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई भी बच्चा को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, आप बड़े सेलिब्रिटी हो, ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही पूछना पड़ेगा, हम लोग जाकर दूसरे किसी के पास केस देकर ऐसा वगैरह पूछना नहीं पड़ेगा ना, तो यूट्यूब में आ रहे तो यूट्यूब पे ही पूछना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद का खुद, मतलब मैं आपको मतलब सेलिब्रिटी के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं जो भी रहता है फौज वालों का, मतलब जो भी फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं ना उन लोग के ऊपर बनाता हूँ। आप फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, आप बेस्ट एंटरटेनर हो, ठीक है, जो भी आते हो एक्टिंग करके जाते हो यूट्यूब में, सही है, ठीक है, और फेक प्रमोशन भी मत करिएगा, ठीक है। आपका जो भी वीडियो आता है ना, मैं सब्सक्राइबर की तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा वैसा कहानी लेके जाकर आप कैसा भी प्रमोशन करने के लिए लेके आ जाते हो एक एक चीज को, ठीक है, मतलब इसमें ऐसा है, ये नूडल ऐसा खा सकते हो, वैसा कर सकते हो बोलकर, ठीक है। बहुत कुछ ऐड आता है हम लोग को, वो ऐड हम लोग देख लेते हैं, आप थोड़ा ऐड को रोक लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पैसा पैसा के लिए कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, मतलब ऐसा हम लोग सोचते हैं नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब सोचना पड़ेगा लग रहा है, तो ये सब कुछ आप रोक लो, क्योंकि आप सेलिब्रिटी हो, हम लोग फैन है, ठीक है, फैन तो जवाब पूछता है बस उतना ही, ठीक है, हम ऐसा फैन नहीं है आके हम लोग ऑटोग्राफ दे दो ऐसा कर दो बोलकर, ठीक है, हम लोग आपका चैनल इसीलिए देखते हैं, थोड़ा माइंड रिलैक्स मिलने के लिए, ठीक है। तो जब माइंड रिलैक्स मिलने के लिए देखते हैं, सही है, मतलब बाद में बच्चों भी बैठते हैं तो उन लोग भी देखते हैं, तो बाद में हम लोग अगर पेरेंट्स नहीं रहते तो उन लोग जाकर कुछ भी कर सकते हैं ना, ऐसा सोचिए आप, सेलिब्रिटी हो आप, थोड़ा मतलब फैन के लिए भी थोड़ा फिक्र करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। और फैन का ये जो भी ओपिनियन है ये बोल रहा हूँ मैं, बस उतना ही, ठीक है, आपको अगर सुधारना है तो सुधार लो, नहीं आपका कलर चैलेंज, येलो चैलेंज, ब्लू चैलेंज, काला चैलेंज, कुछ ना कुछ करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मगर हम लोग क्या करेगा, मैक्सिमम अनसब्सक्राइब करेगा और फॉलो नहीं करेगा, बस उतना ही, ठीक है। और जो भी इन लोग का फैन देख रहे हैं ना, यही आपका, अगर आपका बच्चों का कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ना इन लोग सेलिब्रिटी लोग मतलब कुछ लॉकडाउन वगैरह में ऐसा आ जाते हैं यूट्यूब में, ठीक है, यूट्यूब में अगर रोज़ रोज़ वीडियो, एक वीडियो दो वीडियो, क्योंकि अगर इस चार दीवारों के अंदर पे रहते तो क्या करेगा वो इंसान, बोलो ना, चार दीवारों का अंदर रह रहा है तो कुछ ना कुछ, अरे चलो ये ब्लैक चैलेंज है, ये रेड चैलेंज है, मैं आज पूरा दिन रेड में ही छूंगी, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ड्रामा चलता ही रहता है इन लोग का, चलो वो भी हम लोग देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो मतलब ऐसा हम लोग के पास जब तक प्रॉब्लम नहीं आता है ना, तब तक हम लोग आराम से देखते हैं, अगर प्रॉब्लम आ गया ना तो हम लोग छोड़ते नहीं हैं, फोड़ देते हैं, ठीक है, तो जो भी रहने थे यही होता है प्रॉब्लम। तो चलो ये जो भी सजेशन बता रहा था मेरे तरफ से था,
ठीक है। और इस वीडियो देखकर आपको पसंद रहेगा तो लाइक कीजिए, और जितना लाइक रहेगा मतलब इससे मैं पैसा कमाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो पता चलेगा मतलब आपके घर में भी मतलब कैसा ऐसा लोगों संभाल रहे हैं लोग, मतलब लॉकडाउन पे आके कुछ ड्रामा वामा शुरू करते हैं लोग, ठीक है। ये लॉकडाउन नहीं है भाई, हम लोग लॉकडाउन पे नहीं आए हैं, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। हमारा नाम है मिस्टर ट्रूथ, ठीक है। क्योंकि ना हम लोग कैसा मिस्टर ट्रूथ बना बताऊँ मैं, जिंदगी में सब लोग के पास झूठ बोल दिया था, ठीक है। माँ के पास, बाप के पास, सब लोग के पास मैंने झूठ बोल दिया था, ठीक है। तो हम लोग खुद थक चुके हैं, तो चलो हम लोग कैमरा के सामने तो सच बात कर लेते हैं, इसलिए हम लोग मिस्टर ट्रूथ निकले हुए हैं, ठीक है, याद रखना। और इसके लिए मतलब ये वीडियो बनाने के लिए आप लोग मतलब ये सोचिए मत, और थोड़े लोग मतलब धमकी दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग जब फौजी लोग के लिए फॉलो किया था, फौजी लोग कॉल करके मतलब वीडियो हटा दो इतना पैसा दे रहा है ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। तो मैं वार्निंग बताना चाहता हूँ, कोई पैसा वैसे के लिए मैंने इधर पे नहीं आया हूँ, ठीक है, याद रखना। मिस्टर ट्रूथ हूँ भाई, सब लोग को बचाने के लिए आया हूँ, बस उतना ही, ठीक है। क्योंकि ना कचरा सब कुछ इधर पे है, यूट्यूब में ना कचरा है, साफ़ करने के लिए आया हूँ, याद रखना। और गरिमा जी को मैं इतना बताना चाह रहा था, वीडियो बनाओ कुछ भी करो, प्रॉब्लम हम लोग को नहीं है, ठीक है। एंटरटेनमेंट करो, बेस्ट एंटरटेनमेंट है, मैं आपको तालियां बजाऊंगा, ठीक है। आप रामोजी कुछ सिनेमा कुछ जाए थे ना, मुझे नाम नहीं पता है, और हैदराबाद में आपने कुछ कुछ गए थे, और मुंबई में भी गए थे आपने, ठीक है। तो उधर में आप जो भी एंटरटेनमेंट किए थे मुझे बहुत पसंद था, सच में बोल रहा हूँ, मैं बहुत लाइक करके देख रहा था। अच्छा, चेन्नई एक्सप्रेस का मूवी सीन इधर पे ले रहे थे, वैसा ऐसा बोलकर मैंने देखा था, बहुत अच्छा था, ठीक है। जब तक आप कलर चैलेंज नहीं करते थे, और जब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं होता हमारा घर पे, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो गया तो मैं पूछूंगा, ठीक है। क्योंकि ना अगर कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन देकर घूम रहा है तो मैं पूछूंगा, याद रखना। मिस्टर ट्रूथ हूँ भाई, कुछ ना कुछ पूछना ही पड़ेगा ना। चलो, हमारा वीडियो जो भी देखा रहेगा और पसंद है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और गिफ्ट जीतने के लिए आप लोग को भी मौका मिलेगा, ठीक है। अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक मार के जाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बस इतना ही, मैं वीडियो इधर से ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।